नहीं, सुनिए, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन जो मौलाना लोग बोलते हैं, हम इस्लाम को ऐसे ही समझेंगे सर। हम मक्का मदीना और मदरसे में जाके पढ़ के हम तर्जुमा नहीं करेंगे इस्लाम का। जो आप बोलोगे, जो दुनिया बोलेगी और एक्ट करेंगे, हम उसी हिसाब से आपका परसेप्शन बनाएंगे और दुनिया उसी हिसाब से बनाएगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग देखिए, मन, क्रम और वचन, टेक्स्ट में क्या लिखा है, कुरान हदीस में क्या लिखा है, उसके बाद आप बोलते क्या है, प्राइवेट अपने मस्जिद में क्या बोलते हैं और पब्लिक में क्या बोलते हैं, या किसी डिफरेंट मंच पे, प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोलते हैं और प्रैक्टिस क्या करते हैं। प्रैक्टिस में भी डिफरेंस है, अपने ख्वाबगाह में क्या प्रैक्टिस करते हैं, ख्वाबगाह के बाहर क्या प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद दूसरे कौम, दूसरी सभ्यताएं मिलती हैं तो क्या प्रैक्टिस करते हैं। हर जगह आपके पैरामीटर क्यों बदलते हैं साहब? और दुनिया को नसीहत मत दीजिए कि इस्लाम समझिए, पहले मुस्लिम लोग इस्लाम को समझ लें, फिर दुनिया जाएगी। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है सर, हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम अपने तब्दीली अपने आप अंदर लाने के लिए, हमारे पास 50 चैलेंज है पढ़ने पढ़ाने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए हम बिजी हैं। किसी के पास टाइम नहीं है दुनिया में, दुनिया में एक ही टाइम है जो फ्रांस कर रहा है। इसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास। चेंजेस ऐसे ही नहीं होते हैं। ये वही सऊदी अरबिया है जहाँ पे जेब में श्री राम की या भगवान की फोटो रखने पे भी जेल या गला वाला कटता था। ये वार्निंग लिखी रहती थी वहां पे, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे उतरते थे, 2-4 वार्निंग होती थी। इतने सालों तक इन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म को कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो है हृदय बड़ा उदार हो गया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, इसके पीछे भारत और भारत भूमि की एक खूबी रही है मैम, हम लोगों का हृदय परिवर्तित कर देते हैं। हम बड़े से बड़े जो है बेकार आदमी को, गंदे आदमियों को, गंदी सभ्यताओं को, क्रूर सभ्यताओं को, राजाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण है डाकू अंगुली माल का उदाहरण देख लीजिए। देखें, इसमें जो मिश्रा साहब ने काफ़ी वजाहत की है और अपनी जगह दुरुस्त हैं, एकेडमिक के जो जैसे मिश्रा साहब के पॉइंट हैं वैलिड हैं। और जहां तक गज़वा हिंद का सवाल मिश्रा जी ने किया था, 1400 साल में जिस एरिया से, मैं पूरे गल्फ की बात करूँ इस डायरेक्शन की, इसके पहले तो हमेशा आती थी घुड़सवार आते थे और हाथ में नंगी तलवार लेकर के आते थे। मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए बोलता हूँ कि पहली बार मदद के नाम पे गैस का टैंकर आया हुआ है, ऑक्सीजन का। पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रामायण और गीता वगैरह को, अदरवाइज इसके पहले आप इतिहास पढ़ के देखिए, वो सारे इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जब मन होता था तब घुड़सवार आते थे, तब तो गारत मचाते थे। मौलाना साहब बहुत होशियार है, मैं इनको जानता हूँ। भाई दुनिया या हम क्यों पढ़े? आप मुसलमान हैं, आप समझिए ना। मैं मानता हूँ कि आपने समझा है, मुसलमानों ने समझा है, मुसलमानों ने तो समझा है। जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, मैं कुरान के मामले में अनपढ़ हूँ तो दुनिया तो वही समझेगी। तो बेहतर ये है कि जैसे मैं एक जुमला बोलता हूँ कि भाई उल्टा नमाजी मौलवी को डांटे, हमें रास्ता दिखाने की जगह आप इस्लामिक वर्ल्ड को, जो मुसलमान है उनको बताइए कि कुरान को आप अच्छे तरीके से समझिए। हम जहाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। चीटी मारना भी पाप है, हम समझ रहे हैं।